देखिए मैम, इसमें जो है आपका फर्स्ट में जाएगा आपका डिटर्जेंट लिक्विड या कोई भी डिटर्जेंट चलेगा, आपका पाउडर या लिक्विड जो है। ठीक है, ये आपका सेंटर में है आपका फैब्रिक कंफर्ट हो गया, सॉफ्टनर हो गया इसके लिए। ये थर्ड में जो आपको एक्स्ट्रा रिंस अगर करना है तब आपको इसको यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं। एक्स्ट्रा रिंस में सोप रिंस, जैसे टू टाइम्स मशीन रिंस करेगा, अगर आपको थ्री टाइम किया आपने तो ऑप्शन में, तो इसमें से भी आपका डिटर्जेंट जाएगा। अच्छा, ओके। ठीक है, फिर ये आपका जो गारमेंट है कपड़ा, जो ड्रम का ये है, यहाँ से आपको अंदर डालना है क्योंकि बक्कल क्लिप होता है तो ये रबर को कट जाने का चांस होता है, इसलिए केयर करना, इसके अंदर डालना है। और कॉइन है, कॉइन देख के डालना है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस हो गया। उसके बाद में यहाँ पे होल्ड करेंगे आप तो पावर ऑन। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम है आपका कॉटन। कॉटन में जो होता है आपका चद्दर, डबल बेड का बेडशीट रहेगा तो तीन डालिए, सिंगल का रहेगा तो चार या पाँच डालिए, और वाइट ओनली वाइट का गारमेंट रहेगा तो भी आप कॉटन में धो सकते हैं। इसका टाइमिंग, टेम्परेचर, रिंस टाइमिंग और आरपीएम, यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, ऑटो सेलेक्ट है। बट ये 1400 बहुत ज़्यादा नहीं होता है? अरे बाबा, दैट इज रेगुलर मोटर सेल। हाँ, डायरेक्ट मोटर ड्राइवर। यस यस, फाइन, डोंट रियल लेट मी। सेकेंड है आपका क्विक वॉश। क्विक वॉश में आपका कोल्ड वाटर है, इसमें आपका गर्म पानी नहीं आएगा। आप 2 kg तक मैक्सिमम कपड़ा इसमें डाल सकते हैं। 15 minutes में आपका वॉश रिंस स्पिन होएगा, मगर 3 times रिंस करेगी मशीन। अच्छा, 40 temperature max 40 temperature max इसके बाद में सुपर इको वॉश में ओनली दिस इज फिक्स्ड और दिस आई कैन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ओके। एंड आरपीएम आल्सो वेंट नाउ फ्रॉम 1400 टू कर सकते हैं, आरपीएम भी चेंज कर सकते हैं। हां, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ कभी डेलिकेट क्लोथ्स होते हैं, तभी डेलिकेट्स के लिए प्रोग्राम है इसमें, अब डेलिकेट अलग ही है। अच्छा, ओके। सिंथेटिक्स में आपका मैक्सिमम 4 kg तक, इसमें आपका सिल्की साड़ी वगैरह होगा वो सब सिंथेटिक्स में जाएगा। इसको में आप सब चेंजेस कर सकते हैं मैनुअली भी आपको करना है तो। ऑटो सेट है तो आपको खाली प्ले करना है। डेलिकेट्स, डेलिकेट्स में आपका 30 temperature 35 minutes में होएंगे आपके जो कपड़े, आप जो पूछ रहे थे ना मुलायम वाले नाजुक वाले, तो ये इसका आरपीएम भी देखिए 400। ओके, गुड। टॉवेल्स में स्टिल इट इज सोक क्लीन आल्सो इट विल बी नो। हां, टॉवेल्स में आपका ज़्यादा क्वांटिटी में टॉवेल्स है, 7-8-10 towels तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज आपका मिक्स लॉट में 1-2 towels चले जाएंगे क्योंकि इसको ओनली टॉवेल के लिए 2 hours 5 minutes है। 4 kg तक मैक्सिमम है। इसमें देखिए टेम्परेचर आपका ज़्यादा है क्योंकि टॉवेल थोड़ा खराब होते तो 60। ओके, बेडिंग में आपका चादर कंबल्स हो गया ना जाड़ा वाला ब्लैंकेट, तो एक ब्लैंकेट रहेगा। हाँ, थोड़ा पतला है तो 2 डाल सकते हैं, मगर एकदम जाड़ा ब्लैंकेट एक ही डालना है। शर्ट में आपका ओनली ऑफिस के जो शर्ट होते हैं ब्रांडेड, ज़्यादा क्वांटिटी में है 8-10 shirt तो लगाना है। 1 hour में है ये, मैक्सिमम 2 kg का कैपेसिटी। ओके, एंड दिस डिग्रीज आल्सो यू कैन रिड्यूस ना। हाँ हाँ, कर सकते हैं, करना है। लेस देन 30 इट वोंट गो। अच्छा, कोल्ड हो गया। एंड दिस RPM से स्टार्टिंग है ना, 20 डिग्री पे भी कर सकते हो। हाँ, ओके, एंड RPM आल्सो यू कैन रिड्यूस ना। यस, रिंस एंड होल्ड एंड नो स्पिन। ये ओनली नो स्पिन। हाइजीनिक स्टीम में होता है आपका पेशेंट के जो कपड़े गारमेंट होते हैं, जो हॉस्पिटल लाइन में जॉब करते हैं तो उनके लिए हाइजीनिक स्टीम में, इसमें स्टीम वगैरह सब होके निकलेगा। वॉश रिंस स्पिन प्लस स्टीम होगा। 4 kg तक का मैक्सिमम कैपेसिटी है। दिस इज द केजी दैट दे शो। या मैक्सिमम देयर। हां, एंड दिस इज नंबर ऑफ वाटर। यस यस, रिंस साइकिल। रिंस साइकिल। ऊल में स्वेटर गरम जो गारमेंट होते हैं। या बट ऊल इज नॉर्मली ऑन कोल्ड ओनली मोस्टली। आउटडोर में जो आपका कर्टन्स होता है, पर्दा होता है तो वो डालना है, उसके रिंग निकाल के डालना है आपको। दैट इज आल्सो एडजस्टेबल नो, द थर्मल्स वार्म क्लोथिंग ही कम कर सकता है ना इसमें भी। नहीं, हाँ, कम सब में कर सकता, सब में एडजस्टेबल कर सकता। ओके, एक्टिव वेदर में नॉर्मल यूज किए हुए कपड़े जो रहते हैं डेली वेयर। हाँ, मतलब जो हम पसीना स्मेल आता है कपड़े का उसके लिए।
ओके कलर्स जो कपड़े के कलर्स नंबर ऑफ केजीज दे शो हां हां इन दैट ऑल हां देयर अप देयर ओके ओके ओ शो गो देयर कलर्स वाले कपड़े जो आपका गारमेंट का कलर्स निकलता है उसमें 1 आवर 25 मिनट से इसमें भी सब आप मैन्युअली सब एडजस्ट कर सकते हैं इन कलर्स तो साथ में डाल ही नहीं सकते साइलेंट वॉश इसमें आपका मशीन आवाज नहीं करेगा तो बाकी टाइम आवाज करेगा नॉर्मल तो फ्रंट सब मशीन आवाज करता है वो इतना नहीं करता अच्छा, है अच्छा साइलेंट वॉश मींस यू हैव टू पुट दैट साइकिल और उसमें जो होता है ड्रम का स्पीड रहता है वो जोड़ा स्लो लाइट चलेगा ओके 18000 ही 1800 सॉरी क्लाउड डेली इट पावरली स्पिन होगा इसमें स्टीम आल्सो नहीं नहीं पावरली स्पिन होएगा 1 hour 48 मिनट का साइकिल है ये भी मोस्टली ज्यादा क्वांटिटी में करेगा तो ही यूज करना है अदरवाइज नहीं ज्यादा क्वांटिटी मींस अबाउट 7 केजी 8 केजी हां इसमें आपको ये नहीं दिया है ना 8 केजी का तो आपका मशीन है वॉशर विद ड्रायर और इसमें देखिए मैक्सिमम ऊपर कुछ नहीं दिया है तो नॉर्मली आप इसमें 8-10 के ऊपर रहेगा तो यूज कर सकते ये जो गारमेंट मशीन में साफ नहीं होते कॉलर्स हो गए ये हो गए तो जो आपने हाथ से स्क्रब किया है तो आपको ओनली रिंस और स्पिन करना है स्क्रब करके डाल देंगे आप तो ये खाली निचोड़ के सुखाएंगे ओनली ड्राई मींस वॉश क्लोथ्स ही ये देखिए ये प्रोग्राम अभी यूज करेंगे वॉश प्लस ड्राई तो इसमें आपका 9 hours 27 minutes है इसमें आपका 100% ड्राई मिलेगा बट 9 hours 9 hour 27 minutes नॉर्मली आप जो यूज करते हो साइकिल उसमें 60-70% ड्राई होता है आप उसके बाद में अगेन अगर 20 minutes का स्पिन का साइकिल लगाते हो तो आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट अच्छा तो वो बेटर रहता है इतना नहीं चलाना है मशीन तो बट इसमें एकदम क्रम्पल होता है क्या ये वॉश एंड ड्राई 9 hours मीन्स इट मस्ट बी डूइंग वेरी स्लोली ना एकदम स्लोली करते होंगे ना वो मशीन हाँ मशीन एकदम स्लोली ड्राई करता होगा तभी तो 9 hours ले रहा है तो पूरा टाइम नहीं चलेगा वो अच्छा, बीच जब में रुकेगा बीच में रुकेगा बाद में चलेगा बीच में रुकेगा उतने चलेगा कंटिन्यू 9 hours नहीं चलेगा ओके तो रात को ये मतलब चालू करेंगे मॉर्निंग तक ड्राई हो जाएगा ओके कॉटन ड्राई इसमें कंबल्स वगैरह ड्राई करना है तो 6 hours 40 minutes आफ्टर वॉश मतलब वॉश साइकिल के बाद निकाल के इसमें ना ये चालू करना हाँ और उसमें सब ऑल इंक्लूडिंग है ओके सिंथेटिक ड्राई बट वन थिंग आई वांट टू आस्क ये 2 hours 15 minutes है सिंथेटिक ड्राई अच्छा ओके इसमें भी अच्छा कपड़ा ड्राई होता है ये भी आप लगा सकते हैं 2 hours में इट्स ओके वो 1 hour और 2 hours 3 hours में पास हो जाएगा इसका मतलब अलग अलग दिया हुआ है हाँ ओके उतना ही एक्टिव एयर वॉश में आपका हवा से जो कपड़ा हुआ 59 minutes में गर्म हवा फॉर रिफ्रेश हाँ 59 minutes ड्रम क्लीन 70 temperature पे 2 times रिंस करेगा ये जो पानी आता है आपका पानी का क्लोरीन कपड़े का डस्ट इसके अंदर जो ड्रम में जाता है जो ब्लॉकेज दिख रहे जब ड्रम में इसमें जाके जो चिकनाई जमा होता है तो मशीन क्लीनिंग का प्रोसेस है ये डेली नहीं करने का फर्स्ट 11 wash नेक्स्ट एवरी 2 months में 1 time जब साइकिल नहीं नहीं वो डिटर्जेंट बताता है दूसरा डिटर्जेंट उसके बाद में जो है आपका ये अभी अपने यूज किया इसके लिए ओपन नहीं कर रहा उसको क्लॉकवाइज खोलना है नहीं तो पानी आएगा अभी तो इसमें आधा लीटर तक पानी रहता है इसको क्लॉकवाइज खोलेंगे आप तो इसमें जो चिकनाई गंदगी है इधर आपको मिलेगा आपको बाहर हाँ बाहर जो आपको बेसिंग में वॉश करके आपको वापिस से लगाना है अगर ये पानी आपको फ्लोर पे इधर जा रहा है तो यहाँ पे ये दिया है ये कैप इसको आप बाहर खींच के जो कुछ भी रहेगा आपको उसमें पानी निकाल के फेंक सकते हैं और वो कितने दिन में एक बार करना है फर्स्ट 11 वॉश नेक्स्ट एवरी 2 months 1 time अच्छा दैट्स इट लिंट उतना ही जब ड्रम क्लीन जब आप साइकिल चलाएंगे हो जाएगा तो उसका जो डिटर्जेंट है मैं आपको दिखाते कैसे अच्छा और आपको कुछ क्वेरी इसमें तो पूछ लीजिए नहीं बस वाईफाई वगैरह कनेक्टिंग क्लियर हो गया वाईफाई कनेक्टिंग तो आपको स्मार्ट थिंग करके ऐप डाउनलोड किया रहेगा ना वो ऐप डाउनलोड करना है स्मार्ट थिंग आपको फिर यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो आपका मॉडल आएगा जो पीछे जो बैक साइड में स्टिकर है इसके उसमें लिखा है तो आपको उसमें मेंशन करना मतलब आप मोबाइल से भी मशीन ऑपरेट कर सकते हैं ये मतलब बंद करना है या आपको प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है या कहीं जाना है मतलब वो स्कैन करना पड़ेगा हाँ हाँ ऐप आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा स्मार्ट थिंग किसका सैमसंग नहीं नहीं स्मार्ट थिंग हाँ स्मार्ट थिंग करके ऐप है उसमें हाँ इसमें लिखा है ठीक है तो आपका हो जाएगा अभी अपने साइकिल चला है ना मशीन